बटाला च आए दिन गोली चलन ते गुंडागर्दी दियां घटनावां होणियां आम गल हो चुकी है अते इस संबंधी पुलिस प्रशासन लाचार नजर आ रही है। इसे तरह दी एक खबर बटाला दे थाना सिविल लाइन अधीन आंदे पिंड बोधू दी खुही तो सामने आई है, जिथे एक परिवार वालों घर ते होए हमले का इंसाफ मंगया गया। जानकारी देंदे सुभाष चंद्र पुत्र लेट करतार चंद वासी बोधे दी खुही ने दस्या कि उन्हां दे छोटे बेटे दी कुछ लड़कियां दे नाल किसी गल नूं लैके मामूली तकरारबाजी हुई सी, जिस नूं लैके रात करीब 9:40 ते जदों उन्हां दा छोटा बेटा घर तों बाहर आया होया सी अते उन्हां दी पत्नी उन्हां दी वड्डे बेटे दी पत्नी घर च मौजूद सी तां कुछ व्यक्तियां ने तेज़ धार हथियारां दे नाल उन्हां दे घर ते हमला कर दिता। उन्हां दस्या कि उक्त हमलावरां वल्लों घर का गेट खोलन की कोशिश की गई, पर जदों गेट नहीं खुला तो उन्हां वल्लों घर के बाहर खड़ी मोपड़ बुलट मोटरसाइकिल अते घर दियां खिड़कियां दी भनतोड़ की गई। उन्होंने कहा है कि हमलावरां वल्लों गेट से भी वार किए गए, पर गेट मजबूत होने कारण उसनूं कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्हें कहा कि इस घटना की एक सीसीटीवी वीडियो सामने आई है, जिस हमलावरां वल्लों एक हवाई फायर भी किया गया, जिसकी आवाज सीसीटीवी वीडियो च साफ सुनाई दिंदी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वालों इस संबंधी पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई है, पर 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस वालों इस संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस को लेकर पुलिस प्रशासन से भी कई बड़े सवाल खड़े जरूर होंगे ने। ब्यूरो रिपोर्ट KRT न्यूज नेटवर्क। मसला यह है कि कुछ अणपछाते बंदे तेज हथियार समेत साढ़े घर से आके अटैक किया सडनली, जो कि सानू इस मामले का पता नहीं कि साढ़े घर से अटैक क्यों किया। जदों आप उपरों मैं कुछ छत तो उपर के थले आया तो देखा भी ये बहुत जोरों के नाल साढ़े तोड़ भन कर रहे हैं, कुछ व्यक्तियों ने हवाई फायर भी किए। मैं अपनी बड़ी मुश्किल जान बचाई और मेरी मिसी ने कहा भी बाहर ना निकलियो, ये फायर कर रहे हैं जब गेट स्ट्रोंग होने के कारण। मैं उपर छत से भजा भजा गया, जब छत से मैं गया दोबारा फिर ही मैं सोचा भी इन्होंने बंदे कुछ ना कुछ ये टोड़ा बका के मैं भजाव, पर वो मेरे कार्रवाई कर तो पहला नट गए। लेकिन बाद में जल्दी नीचे थले आया, एक साडे गवांडी सरदार जसविंदर सिंह ने 112 नंबर से PCR नूं रिंग किया। PCR दे 2 मुलाजम आए, मुलाजमान ने आके जब देखा मौका देखने बाद मैंने कहा कि तुसी सिविल लाइन च जाके ड्यूटी अफसर सब इंस्पैक्टर मनोहर सिंह नूं मिलो ते अपनी दरखास्त पेश करो। मैं जाके कुछ पिंड दे बंदयां नूं नाल लैके नेयर बोर्ड 20-25 आदमी पिंड दे लैके मैं SI मनोहर सिंह नूं जाके मिलिया, दरखास्त पेश की। वो मौका वेख के गए, फिर मेरा ब्रदर सब इंस्पैक्टर सतपाल सिंह जो कि SHO डेरा बाबा नानक तो रिटायर ने, उन्होंने परसनली जाके SHO कुलवंत सिंह मान एंड डिप्टी ललित साहब नूं मिले। मिलने तो बाद भी उन्होंने दस्या भी ये मेरा भरा है, ये जाके इनू इंसाफ मिलना चाहिए, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वो कहने के बावजूद भी किसी पुलिस ने कोई हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है उसे सजाने की।